कन्या राशि 9, 10, 13 और 14 मार्च आपके लिए अत्यंत शुभ तारीख है। इसके अलावा 15 तारीख जो आपकी आ रही है वो थोड़ी कष्टदारी होगी, अशुभ होगी, सावधानी रखने के लायक। अगर हम बात करें मास आरंभ में ग्रहों की स्थिति की, तो केतु तुला राशि के होकर द्वितीय भाव में है, बुध शनि सूर्य कुंभ राशि के होकर षष्ठम भाव में है, बृहस्पति शुक्र मीन राशि के होकर सप्तम भाव में है, राहु मेष राशि के होकर अष्टम भाव में है, मंगल राशि के वृषभ नौवे भाव में भाग्य स्थान में है, चंद्रमा मिथुन राशि के होकर दशम भाव में कर्म क्षेत्र में चलायमान रहेंगे। ऐसे में जातक का जो समय रहेगा 8, 9 और 10 को एक बार फिर लोगों के साथ संबंध को के महत्व को आप समझेंगे। जिन लोगों के साथ संबंध अगर खत्म भी हो गए हैं, टूट चुके हैं, तो उस महत्व को आप समझेंगे, रियलाइज करेंगे। झगड़े फसाद से बचने के लिए वाणी पर संयम रखें, साथ ही चुप रहें। अपने जीवन के साथ, जीवन साथी के साथ प्यार भरा समय बिताएंगे, आप कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। 11-12 को नई उम्मीदें, नई शुरुआत लेकर आएगा। आपके जीवन में खुशी, मनोरंजन, खेल, रोमांस, ये सब कुछ होगा। जिंदगी में खूब हंसी खुशी मौज मस्ती का समय रहेगा। आपको ऐसा लगेगा मानो आपके सारे सपने सच हो रहे हैं, कूल रिलैक्स्ड। परंतु 13 और 14 को धनागमन के प्रबल योग हैं। इस समय पर सब कुछ अच्छा रहेगा आपको, परंतु अत्यधिक खर्च करने से बचना है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके सारे काम ठीक हो रहे हैं और आपके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। परंतु 15 मार्च का जो दिन रहेगा वो सावधानी रखने योग्य है। उस दिन आपको मानसिक तनाव की इसका सामना करना पड़ सकता है, कुछ अप्रिय समाचार भी आपको मिल सकता है, सावधान रहें। ऐसे में यदि व्यक्ति प्रतिदिन गऊओं को, गौ माता को मीठी चपातियां और हरा चारा खिलाए और पक्षियों को बाजरा डाले तो उसको अत्यधिक लाभ प्राप्त।